किन्नौर में जब लड़की की विदाई होती है तो ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेडिशनल सॉन्ग के साथ किया जाता है। तो लड़की को मेन किचन, जिसको किन्नौरी बोली में पांठंग कहा जाता है, वहां पर ले जाया जाता है, जहां पर लड़के के खास मामे चाचे वगैरह होते हैं और लड़की के कुछ खास रिश्तेदार होते हैं। वहाँ पर वो ट्रेडिशनल सॉन्ग गाते हैं मेला करते हुए। तो इस सॉन्ग में भी वो ये सब गाते हैं कि कैसे लड़की की विदाई के बाद ये घर खाली हो जाएगा और जो लड़की की मम्मी है वो घर में अकेले फील करेगी। आपको आगे जिनको किन्नौरी बोली आती है उनको समझ में भी आ जाएगा। इसमें कहा जाता है कि आनेनु आमा माजूशो, मतलब उनकी खुद की मम्मी जो है, लड़की की मम्मी, वो डरेगी क्योंकि उनकी बेटी चली गई है, घर खाली हो गया है। तो इसमें लड़की और लड़की के मायके के प्रति उसके प्यार को और घर के खालीपन को इस ट्रेडिशनल सॉन्ग में गाया गया है और इस तरीके से यहाँ पर विदाई की जाएगी। अनाज में सबसे बड़ा। अच्छा, यहाँ पे भी ये यूज करते हैं। अच्छा, तो सब जगह दीदी ननंद गृह प्रवेश करवाती है। किन्नौर में तो ननंद कराते हैं गृह प्रवेश, अपर भी तो अपर और बीच किन्नौर में सास कराते हैं। अच्छा, सासू माँ कराते हैं। अच्छा, तो लक्ष्मी घर की बहू के साथ ऐसे एंटर करते हैं। अच्छा ठीक है। भवानी छुम छुम बीमा भवानी से ले बतुआ भवानी छुम छुम बीमा भवानी से ले बतुआ। Oh, oh, oh.
दोस्तों ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, बारातियों के ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है, तो यहाँ पर चिल्टे बनाए जा रहे हैं। तो शादियों में यहाँ पर हमेशा हर जगह पर जो लोकल अनाज होते हैं वही बनाए जाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ के जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स होते हैं वो खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ के शादियों की स्पेशल खासियत ये है कि यहाँ शादियों में हम ऑर्गेनिक क्रॉप्स ही सर्व करते हैं बारातियों को। दोस्तों और अब मैं पहुंची हूँ नॉन वेजिटेरियन के टेंट में, जहाँ पर ये गिमटे बनाए जा रहे हैं, जिसे किन्नौरी बोली में गिमा कहा जाता है, जो किन्नौरी शादियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे काफ़ी ऐसे सारे लोग मिले हैं जो कहते हैं मुझसे कि हम भाई हम तो किन्नौर की शादियाँ स्पेशल इसलिए अटेंड करते हैं क्योंकि हमें वहाँ के जो गिमटे हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये भी एक किन्नौरी मैरिजिस का अट्रैक्शन का पॉइंट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड बनाया जाता है, वेजिटेरियन भी बनाया जाता है, तो उसके लिए अलग से टेंट अवेलेबल किया जाता है, अलग से वहाँ पे व्यवस्था की जाती है। दोस्तों लड़की के मायके वालों की विदाई का समय आ चुका है, और विदाई से पहले भी हमारे यहाँ पर एक रिचुअल होता है, एक ट्रेडिशनल कस्टम होता है, जहाँ पर रात को लड़की को गृह प्रवेश करवाया होता है। तो वहाँ पर लड़की के मामा पापा चाचा बिष्टू और लड़की की सासू माँ, जो भी खास जो रिश्तेदार होते हैं, उन सबको एक किचन में बिठाया जाता है, और वहाँ पर एक सॉन्ग गाया जाता है, जो ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है। ये सॉन्ग है कि किस घर से लड़की को लेकर आ रहे हैं, किस घर में लड़की की शादी हुई है, वहाँ पर कौन कौन है, पूरा ख़ानदान का नाम लेते हुए ये सॉन्ग गाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद इसी सॉन्ग से जैसे लड़की के घर से विदाई की गई थी, वैसे ही लड़की ससुराल से अपने मायके वालों की विदाई उस तरीके से करती है, वैसे ही मेला होता है। लड़के वालों की तरफ से जो बिष्टू बनाया गया होता है, तो मेन वो लीड करता है यहाँ पर, वो सबको मेन डोर से बाहर निकालेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो भी लड़की के साथ लड़की के मायके वाले आए थे, सबकी विदाई होगी, और उसके बाद के जो रिचुअल्स है इसके बाद किए जाएंगे। Let's go.
वालों की विदाई का समय आ गया। और यहाँ पर जब लड़की अपने मायके वालों को विदा करती है तो जितने भी सदस्य मायके की तरफ से आए होते हैं इस शादी में, तो दुल्हन सबको ड्राई फ्रूट्स की माला देती है और उनको विदा करती है अपने ससुराल से। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है वो एक ब्राइड के लिए।